हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन ऑप्शन ए मोलारिटी, ऑप्शन बी नॉर्मैलिटी ऑप्शन सी फॉर्मैलिटी एंड ऑप्शन डी मोलैलिटी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है सो so, जो किसी भी सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज सो फर्स्ट टर्म जो कॉन्सेंट्रेशन की हम यूज करते हैं दैट इज मोलारिटी। फिर आता है नॉर्मैलिटी फिर आता है फॉर्मेलिटी द फोर्थ वन वी यूज एज मोलैलिटी तो हम इन टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन द क्वेश्चन सो आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वॉट इज मोलैलिटी एंड इट इज एक्सप्रेस एज कैपिटल एम तो मुलैरिटी क्या होता है इसका अगर फॉर्मूला देखें दैट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स सो ये जो मुलैरिटी है That is dependent upon the volume of solution, which can be changed with temperature. टू थर्मल एक्सपेंशन और वी कैन से कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लिक्विड तो यहां पर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे जो है वॉल्यूम इंक्रीज होगा एरिया कि, लेंथ किसी भी मैटर की वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जिसके साथ वॉल्यूम भी चेंज होता है नाउ अब दूसरा डिस्कस करेंगे दैट इज नॉर्मैलिटी विच इज डिनोटेड एज कैपिटल एन तो नॉर्मैलिटी क्या होता है अगर इसका फॉर्मूला देखें तो दैट विल बी इक्वल टू इक्वी वेलेंट्स ऑफ सल्यूट दैट इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर्स इक्वीवेलेंट ऑफ सल्यूट का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट रिएक्ट कर रहा है एक स्पेसिफिक अमाउंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ तो दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट और जो नॉर्मैलिटी है दैट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सल्यूशन सो अब थर्ड टर्म के बारे में देखते हैं द थर्ड वन वी हैव इज फॉर्मेलिटी विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ तो फॉर्मैलिटी जो है दैट इज सिमिलर टू द मुलेरिटी बट इट इज यूज फॉर द आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड फॉर्म अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू द फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ द सल्यूट दैट इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन Liters. तो यहां पर जो फॉर्मेलिटी है ये भी डिपेंड करती है वॉल्यूम पे तो so, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाता है जब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा नाउ द फोर्थ वन वी हैव इज मोलैलिटी और इसको हम स्मॉल एम की तरह डिनोट करते हैं तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें दैट विल बी मोल्स ऑफ सल्यूट दैट इज डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स तो अगर ये देखें मोलालिटी So that is independent of the volume of the solution. Yuki, it is based on the mass of the सॉल्वेंट तो ये सॉल्वेंट के मास पे डिपेंड करता है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एज वेल तो अगर टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा तो ये वॉल्यूम के भी इंडिपेंडेंट होगा एंड इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ द ऑल ऑप्शंस Option number D is the correct answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.